आपको कुछ नए तरीके के साइबर क्राइम जो हमारे देखने में आए हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। पहला जो है वो आधार कार्ड का मिसयूज़ है। हम लोग आधार कार्ड की जानकारी बहुत आसानी से शेयर कर देते हैं, हालांकि आजकल लोग सतर्क हो गए हैं, एटीएम पिन कार्ड वगैरह इसकी जानकारी तो नहीं बताते, लेकिन आधार कार्ड की जानकारी शेयर कर देते हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा के यहाँ वहाँ वो चली जाती, ध्यान नहीं देते। पीछे हमारे केस देखने में आए लुधियाना में कि आधार कार्ड का मिसयूज़ करके फेक सिम जारी हो गए, क्योंकि आजकल जब सिम जारी करते हैं उसके रूल्स चेंज हो गए। पहले बायोमेट्रिक में अंगूठा लगता था, आजकल दूसरे तरीके से डिजिटल केवाईसी होता है जिसमें अंगूठा नहीं लगता। तो आधार कार्ड किसी और का, फ़ोटो किसी और की यूज़ करके कई एजेंटों ने इस तरीके का फ्रॉड किया है, तो इसमें खासकर ध्यान दें। कभी आपको मैसेज आता है कि आपके आधार कार्ड पे अगर कोई और सिम जारी हुआ है, तो जैसे ही वो मैसेज आता है वैसे ही तुरंत अपने सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म करें, साइबर सेल को इन्फॉर्म करें, ताकि आपके आधार का फेक सिम के लिए मिसयूज़ ना हो, आगे फेक बैंक अकाउंट बन जाते हैं। इसका नुकसान क्या है, कल को कोई अपराध करेगा आपके सिम को यूज़ करके और बैंक अकाउंट को यूज़ करके, तो आप किसी ना किसी समस्या में फंस जाएंगे। इससे अच्छा है पहले इसको टाइमली रिपोर्ट करें। दूसरा, ऑनलाइन चैट, फ्रेंडशिप, डेटिंग। आजकल आपने देखा होगा कि गूगल पे और जगह बहुत सारी ऐप्स चल रही हैं, इन ऐप पे लोग जाते हैं, और अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो काफ़ी पीछे ऐसे केस आए, कई जवान लड़के जिन्होंने सर्च किया और ऑनलाइन कोई नंबर मिला उनको, उस नंबर से जाके उन्होंने बातचीत करी, बाद में वो लड़की नहीं असल में कोई लड़का था, और उसने क्या किया कि उनके मोबाइल नंबर उसके पास आ गया, उस मोबाइल नंबर से उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे चला गया, इंस्टा प्रोफाइल पे चला गया, वहाँ से उनकी पिक्चरें डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करके एक फेक प्रोफाइल बना ली और उनके बारे में गलत बातें लिख दी, उनके रिश्तेदारों की, उनकी माताओं की, बहनों की फ़ोटो उसमें डाल के उस पर गलत टिप्पणियाँ कर दी, और फिर इन आदमियों को फ़ोन किया कि या तो तू मुझे 50,000 रुपये दे, 10,000 रुपये दे। कई कपल्स के भी ऐसे केस आए, उनकी भी कुछ तस्वीरें इस तरीके से उठा के नेट से उस बारे में गलत टिप्पणी लड़की के बारे में करके डाल दी। ऐसे केस में शरीफ आदमी ये सोचता है कि भाई मेरा कल को डिफेमेशन होगा, बदनामी होगी, तो वो उस ऑनलाइन हैकर के झांसे में आके पैसे डालना शुरू करता है, 5,000 रुपये देकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर वो 10,000 मांगता है। इस तरीके से पीछे एक कपल से 50,000 रुपये तक एक रैंसम ऑनलाइन ले गया। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसे किसी भी अननोन नंबर से चैट, फ्रेंडशिप, डेटिंग इत्यादि अवॉइड करें, क्योंकि वो आपकी जानकारी का कहाँ तक मिसयूज़ कर ले आप नहीं जानते। तीसरा, पीछे एक केस देखने में आया कि एक राज्य के बहुत सीनियर अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उनका किसी ग्रुप के अंदर ऐसे नाम डाल दिया। उन्होंने क्या किया हैकर इसने कि एक ग्रुप बनाया करोड़पति बनने के लिए, और उसके अंदर उस राज्य के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स के ऑफिशियल नंबर साइट से उठा लिए और उनको उस ग्रुप में डाल दिया। तो जो भी व्यक्ति आता है वो देखता है इसके अंदर काफ़ी सरकारी ऑफिशियल्स हैं, तो ये ग्रुप ऑथेंटिक होगा। उसके अंदर फिर लोगों से ठगी मारनी शुरू करी। ऐसे व्यक्ति ठगी मारी तो उसने उठा के इस ऑफिशियल को फ़ोन किया और गाली गलौज करी, तब इस चीज़ का पता लगा कि इस तरीके से भी ग्रुप बन रहे हैं। तो इसलिए कोई भी ऑनलाइन ग्रुप में आपको ऐड करता है, इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट्सएप में एक फ़ीचर है जो कि आप सब यूज़ करें, आपको ग्रुप में ऐड करने से पहले परमिशन लेनी होती है। तो कोई भी आपको सीधा ऐड ना कर पाए, सेटिंग को चेंज कर लीजिए गूगल पे सर्च करके कि व्हाट्सएप में कोई भी ग्रुप में ऐड करना चाहे तो पहले आपकी परमिशन उसको मिले। ये यूज़ करके आप इस तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आज के इस इन नए फ्रॉड्स के लाइट के अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं कि सबसे पहले तो जैसे ही आपको कोई मैसेज आता है कि आपके एटीएम से पैसे निकले या खाते से किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए, तुरंत अपनी बैंक को फ़ोन करें, साइबर सेल को फ़ोन करें और 112 को फ़ोन करें। यदि आप 2 घंटे से 24 घंटे में फ़ोन करेंगे तो हो सकता है कि पुलिस और बैंक आपकी मदद करके आपके पैसे वापस दिलवा दें। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से फंसा लेता है अपने जाल में और आपसे ऑनलाइन रैंसम मांगना शुरू करता है, तो ऐसा रैंसम कतई मत दीजिए। तुरंत पुलिस को फ़ोन करिए, जाइए ऑफिस में मिलिए, और पुलिस कोशिश करके इस व्यक्ति को पकड़ लेगी और आपका फाइनेंशियल लॉस होने से ज़रूर बचाएगी। तीसरा और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे पुलिस आपको पहले बताती रही है अपने एटीएम कार्ड को, पिन को जिस तरीके सुरक्षित रखना है, क्रेडिट कार्ड को, उतनी ही सावधानी आज से आप अपने आधार कार्ड के साथ भी बरतें, उसको भी एटीएम पिन की तरह ही सुरक्षित रखें ताकि आप इन फ्रॉड से बच सकें। सर, जैसे कि देखने में आया है कि जैसे ज़्यादातर लोग जैसे मोबाइल बैंकिंग बहुत यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग बहुत यूज़ करते हैं, ओटीपी आती है, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, सर वहाँ से भी चांसेस रहते हैं कि आपका जो वो
ओटीपी वगैरह या आपकी जो लॉगिन है वो लीक हो सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपकी लीक हो सकती है। देखिए, जैसे पिछली बारी हमने पिछली सीरीज में डिस्कस किया था कि ओटीपी वगैरह के फ्रॉड तो बहुत कॉमन है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही ओटीपी आता है तो तुरंत किसी से शेयर मत करें, और दूसरा देखें कि आपने क्या इससे पहले कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट करी थी, क्योंकि ओटीपी किसी भी ट्रांजेक्शन के 1 मिनट के अंदर आ जाता है। अगर आप अपनी बैंक की साइट पर गए हैं, आपने खुद कुछ ऑर्डर किया है और ओटीपी आया है, तो साफ जाहिर है कि ओटीपी आपके ट्रांजेक्शन का ही आया है। उसमें भी ध्यान रखें, देखें कि ओटीपी आपकी बैंक की आईडी से आया है, क्योंकि आजकल हैकर इतने स्मार्ट हो गए कि आपने एक ट्रांजेक्शन किया और 2 ओटीपी जनरेट होते हैं, एक असली और एक नकली। तो इसलिए बहुत सावधानी बरत के ओटीपी को यूज करना। सर, जैसे कि कुछ लोग जो है वो आम लोगों से सिम खरीद लेते हैं, कहीं भी गली नुक्कड़ पे सिम खरीद लिया, वहां पे अपने प्रूफ दे दिए, तो लगता है कि वहां से भी जो हमारे प्रूफ है वो भी लीक हो सकते हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जिस फेक सिम रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस तरीके के रैकेट ही काम कर रहे हैं, जो एक छतरी लगा के और मोटरसाइकिल के नीचे, पेड़ के नीचे जो मोबाइल बेच रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसे केस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक एक आदमी का आधार कार्ड लेके उसके ऊपर 5-6 लोगों को सिम जारी कर देते हैं, और हर एक की जिम्मेदारी सिर्फ आपके आधार कार्ड की होती है।